नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं हूं आर्यमन यादव और अब हम आ चुके हैं महालक्ष्मी ऑयल मिल्स के इस स्टॉल पे। एग्री एशिया 2023 के किसान मेले में कई सारी कंपनियों ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, जिनमें मैंने जाना कि यहां पर एक पशु के आहार वाली भी एक स्टॉल लगा हुआ है जो कि एक हर्बल कंपनी है। जानेंगे सर से। सर हमारे साथ मौजूद है, पार्टनर है ये सर का नाम है मनोज वेलानी। इनका परिचय मैं देता हूँ। मनोज वेलानी जी हैं, ये पार्टनर है महालक्ष्मी ऑयल मिल में। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं फसल क्रांति के इस चैनल पर। जी थैंक यू सर। सर मैं जानना चाहूँगा कि आपके कई सारे प्रोडक्ट्स मैंने देखे जाने, उनके बारे में हमारे किसानों को कुछ बताइए। जी हमारा प्रोडक्ट है वो गुजरात में हम धनसुरा में प्रोडक्शन यूनिट है हमारा, और हम बेसिक पशु के हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, और उसमें हम हमारा जो प्रोडक्ट है उसके लिए हम हर्बल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम मक्का खली भी बना रहे हैं, कपास खली भी बना रहे हैं, और मेन तो कैटल फीड बना रहे हैं, जो गिट्टी बोल रहे हैं वो बना रहे हैं। और उसमें पशु के हेल्थ के लेके हम इतने चिंतित हैं कि जैसे कि कोई कंपनी वाले आके कोई भी माल बीच के जा रहे हैं, जिससे पशु को बहुत नुकसान हो रहा है। कहीं पशु रिपीटेशन में आ रहे हैं, कोई हीट में नहीं आ रहे, उसके रिगार्डिंग हमने हमारे ऑयल मिल के अंदर 18 पशु भी रखे हैं जो स्पेशल यहाँ गुजरात के गिर गए हैं। तो उसके ऊपर हमने रिसर्च किया कि भैया जो पशु रिपीट नहीं हो रहे हैं तो उसको क्या प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर हमने पूरा काम किया। उसमें हमको सक्सेस भी मिला है कि क्योंकि कहीं एक पशु के ऊपर हमने ट्रायल लिया था कि जो 4 साल से हीट में ही नहीं आ रहा था, तो हमने वेटरनरी डॉक्टर को भी बुलाया, तो उसमें हमने पाया कि वो पशु का गर्भाशय है वो बिल्कुल सिकुड़ गया है। तो उसके ऊपर हमने हमारा मिनरल और हमारा हर्बल प्रोडक्ट यूज़ किया कि उससे कितना रिपीट में क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो उसके अंदर हमने पाया कि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके हिसाब से हमने फीड बनाया। तो वो उसमें अभी हमने पिछले साल वो गाय को रेगुलेशन में ला के गाय ब्याह भी गई, 14 लीटर पर डे का दूध भी गया, और अभी वापस वो गाय 6 महीने प्रेग्नेंट भी है। ये हमारा खुद की गौशाला में हमारा ट्रायल है सर। इसके ऊपर हम पूरे गुजरात में बोलना चाहते हैं कि भाई आप कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है तो उसको कम से कम ये तो पूछिए कि भाई इसमें क्या मिला हुआ है, क्या TDN वैल्यू है, और इससे पशु को कोई प्रॉब्लम है नहीं है। क्योंकि हर बंदा है वो अपने प्रोडक्ट बेचने को ही आया है, लेकिन ऐसे ही मत बिना सोचे समझे मत लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि पशुधन है वो आपको बोलेगा नहीं, आप डालोगे वो खा जाएगा। तो कृपया करके पशुपालक को हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी प्रोडक्ट को जाने पहचाने बिना चेंज मत कीजिए। अगर चेंज कर भी रहे हैं तो पूरा गौशाला में एक साथ मत चेंज कीजिए, क्योंकि 2 या 3 या 5 गाय के ऊपर आप ट्रायल लीजिए क्या क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके बाद चेंज करिए। जी हमारा सर आपने अभी बताया कि आपकी कंपनी की गौशाला भी है। जी सर इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपके पास कितनी पशु हैं गौशाला में, आपने कितने गायों को पाला है, और कौन कौन सी गाय ऐसी हैं आपके पास जो पहले बीमार थी या जिनमें कोई दिक्कत थी और आपने उसको ठीक किया आपने प्रोडक्ट के जरिए। जी हमारे पास टोटल छोटे और बड़े होके 18 पशु हैं, और सब गिर नस्ल की है, और उसमें 2 काकरेची गाय जो हमारे गुजरात की देसी नस्ल बोलते हैं वो है। जी और उसके अंदर हमने पहले HF गाय के ऊपर तो बहुत ट्रायल लिया है और हर जगह हमको सक्सेस मिला है, लेकिन हमारे पास एक चुनौती थी कि गिर गाय को ये प्रोडक्ट काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए हमने गिर गाय सिलेक्ट की थी, जिसमें हमारे पास में एक पशुपालक है वहाँ पे पिछले 4 साल से वो गाय थी जो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, उसको लेके हमने ये पूरा ट्रायल लिया था सर, जो मैंने अभी बताया वो। सर मैंने आपके स्टॉल पर देखा था कि आपके पास एक कॉटन केक नाम का प्रोडक्ट है, सर मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा क्योंकि मैं बड़ा दिलचस्प था उसको देखकर, कि उसका जो स्ट्रक्चर था मतलब उसको देखकर मैं बड़ा ताज्जुब सा हुआ कि ये क्या चीज़ है और उसकी स्मेल और ये सब चीज़ें, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जी ये हमारी कॉटन केक है मेवाड़ किंग, उसमें बेसिकली हम पहले तो खेडू थे वो कॉटन ले के खेत में डालता है, उसके बाद में जीनिंग में जाएगा वो अपने कंपाउंड में डालेगा, बाद में हमारे पास जो सीड आता है उसमें हम पर डे 200 से 225 किलो रेती को चाना लगा के निकाल रहे हैं, उसके बाद हम प्रोडक्शन यूनिट में ले रहे हैं। उसमें हमने जूट रिमोर भी लगाया है, मैग्नेट भी लगाया है, पूरी प्रोडक्शन यूनिट में स्टार्ट से लेके एंड तक 4 से 5 मैग्नेट लगाए हुए हैं, कि प्रोडक्शन के अंदर समझ लो मटेरियल आया तो उससे पहले 2 बार लगाया है,
प्रोडक्शन होने के बाद दो बार मैग्नेट लगाए जिससे कि कोई मैग्नेट में लोखन वगैरह ना आए। और हमारी ये प्रोडक्ट के अंदर आपको 10.5% फैट मिलेगा और 26% प्रोटीन मिलेगा। और गुजरात में हम दावे सर के साथ बोल सकते हैं कि इतना मोटा माल गुजरात में कोई नहीं बनाता है सर, और इतना रिजल्ट भी है सर। जी सर जी, इसी के साथ मैं मनोज बिलानी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप फसल क्रांति के इस चैनल पे मेरे साथ बने रहे। दर्शकों आप बने रहिए फसल क्रांति के साथ, आपको दिखाएंगे एग्री एशिया 2023 के इस किसान मेले में और क्या क्या कंपनियाँ यहाँ हैं और किन किन कंपनियों ने क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ लगाए हुए हैं। बने रहिए फसल क्रांति के साथ, धन्यवाद।